2015 में कत्ल होने वाले अब्बास की फैमिली के अफराद अजहर और मकतूला सलीम अख्तर का बेटा अनीस की जुबानी इस खूनी खेल का हवाल। इस वाकये के बाद कोई भी महफूज नहीं रहा, न औरतें न बच्चे। एक नई तर्ज की दुश्मनी ने जन्म लिया है। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए छुपते रहे और रब नवाज ढूंढ कर बच्चों पर गोलियां चलाता रहा। अनीस और अजहर अब्बास, अनीस की वालदा जिनको आज दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया, और अजहर की फैमिली, कजन्स, चाची, खाला, पुपी, ये सारे थे जी। कैसे इंसिडेंट हुआ ये अजहर? जैसे घर वाले ने बताया कि वो भैंस गई हुई थी नीचे, उसके पीछे गए हैं। उन्होंने अपने घर से देखा तो फायरिंग शुरू कर दी, उसको लात में गोली लगी तो वो अंदर चली गई। वो ये कज़न अभी छोटी बाहर की थी, इसके घर चली गई तो वो भाग के इसके घर गए। इसके भाई को फायर मारे लेकिन वो बच गया, वो भाग गया। तो नीचे एक बस थोड़ी जगह थी, उसको मिल गई, वो तक छुप गया। उसके अंदर घर जाके घुस के उसने बोला उसने कि इधर वो नहीं आई। उन्होंने बोला कि वो आ गई, इधर अंदर है भाई, ये खून लगा हुआ है, वो आपके घर आई है। दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए, अंदर जाकर उसको मार दिया। आप बाहर निकल जाएंगे वरना आपको मार देंगे। इसके इनके बच्चे उधर ही थी, ये दोनों बहनें, उनको घर से निकाल दिया। बच्चों को इनको कोई पता नहीं था, वो बच्चे हैं, मरे हैं, क्या हुआ क्या नहीं। फिर इधर ऊपर आ गए, इनके घर आया नहीं, इसके घर। वो जैसे गेट से सामने हुआ तो फायर शुरू कर दी। इसकी छोटी सिस्टर थी वो चारपाई के नीचे, वो वालदा को फायर ला गया। वो कुछलियों पर थी, बैठी हुई थी, बल आलम ये छत पर जा रही थी, आ रही थी, उनको उधर मारा। वो ऊपर से ऐसे बस घसीटते नीचे आई, उसके बाद नीचे घर चले गए। मगर सभी घरों में फायरें मारे हैं, और जाके देखे फायरिंग सब निशान लगे हुए हैं फायरिंग। उधर गए, उधर भी ऐसे किया, दरवाज़ा बंद था अंदर से। तो 6-7 थे अंदर, 9 थे अंदर, 3 बच गए उधर से बच्चे, जो बड़े और कुछ बच्चे तो उधर अंदर मार गए। इनसे क्या रिश्ता है आप लोगों का जिन्होंने ये? इसके वालदा का कज़न है, मसेर है, कम शेर। वो भी आगे पीछे अगर देखें तो किसी न किसी तरह निकल गया है। ये दूसरा कर रहा मलक नजर अब्बास, मलक नजर अब्बास की वालदा डेथ यहाँ पे हो गया। इधर कौन थी? खस्ता पस्ता घर था जिधर इस टाइम सिर्फ ब्लड पड़ा हुआ है, और ये सिर्फ हमारी बेहसी का शिकार हो गया। न जाने कब तक मेरा इलाका, मेरे लोग इस तरह पड़े रहेंगे, और पता नहीं कोई बोलने वाला निकलेगा या नहीं निकलेगा, कोई आएगा सामने बोलने के लिए या नहीं। दुश्मनी अपनी जगह, इस खून, ये मासूम खून